हेलो एवरीवन, मिथिला शाम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी से बेहद ही स्वादिष्ट स्नैक्स, जो बिल्कुल ही क्रिस्पी और कुरकुरा होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस स्नैक्स को आप चाय के साथ, दोपहर के लंच के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ली हूँ मैं 500 ग्राम के तकरीबन फ्रेश ताज़ा भिंडी, और इसको हमने अच्छी तरह से धो के और एक सूती कपड़े में सुखा लिया है। अब मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, तो ऐसे ही इसको लंबा लंबा पतला पतला कट कर लेना है। एक भिंडी का आपको 2 पार्ट करना है और एक पार्ट में आपको 4 कट लगाने हैं, नहीं तो 3 लगाने हैं, तभी आपकी जो भिंडी है बिल्कुल ही कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इस तरह से जब आप भिंडी को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने सारी भिंडियों को कट कर लिया है। अब मैं चलती हूँ मसाला तैयार करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 2 चम्मच चावल का आटा, और उसी चम्मच से मैं ले रही हूँ 2 चम्मच बेसन, 1 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और 2 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चावल के आटे से भिंडी बिल्कुल ही कुरकुरी और क्रिस्पी हो जाती है। 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाली हूँ धनिया पाउडर, और 1 चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ अमचूर का पाउडर। अगर जो आपके पास अमचूर का पाउडर नहीं है तो आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी इन्ग्रीडियंट्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे नमक नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि भिंडी है, अगर जो आप पहले नमक का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भिंडी बिल्कुल ही चिपचिपी हो जाएगी। तो इसलिए पहले आप भिंडी को इसमें मिक्स कर लीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो मैं सारी भिंडियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि भिंडी में मॉइस्चर होता है, एक चिपचिपापन होता है। तो जो बेसन है, चावल का आटा है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, सब इसमें अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो भिंडी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया। अब मैं लास्ट में डाल रही हूँ 1 चम्मच ब्लैक पेपर का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके साथ में काली मिर्च डालने से भिंडी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमारा सारा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो मैं अब चल रही हूँ फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे एक बाउल ली हूँ, और जितना हमको फ्राई करना है उसको हमने अलग कर लिया है, और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। इसी प्रोसेस में बनाना है, जितना आपको बनाना है ऐसे ही नमक डाल के और बनाते जाना है। पहले से नमक आपको एक साथ नहीं डालना है, इस बात का ख्याल रखना है। इधर हमारा ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, बिल्कुल हाई फ्लेम पर गर्म करना है तेल को, क्योंकि आप क्रिस्प फ्राई करेंगे तो गैस के फ्लेम को हाई ही रखना है, नहीं तो भिंडी आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ऑयल में भिंडी को शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ पे भिंडी हमारी तकरीबन फ्राई हो गई है, बिल्कुल क्रिस्प हो गई है। तो अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और इसी प्रोसेस में मैं बाकी की बची हुई भिंडियों को भी फ्राई कर लूँगी। तो आप सभी देख सकते हैं कि भिंडी बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनी है, और टेस्ट तो लाजवाब है इसका। तो यहाँ पे हमारी सारी भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं, बिल्कुल ही क्रिस्पी बनी हैं। तो आई होप कि आप सभी को भिंडी की क्रिस्पी और कुरकुरी स्नैक्स रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ।